हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 4 फरवरी 2018 को CDS का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इसमें मैं ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। इंग्लिश पेपर के लिए मैं ऑलरेडी आंसर की प्रोवाइड कर चुका हूँ, उसके वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जनरल स्टडीज़ जो GK का पेपर हुआ है उसके लिए अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें जो टेस्ट बुकलेट सीरीड है वो मैं रेफ़र कर रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर और यू नो करस्पॉन्डिंग आंसर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, ये वैसे ऐसा वो UPSC के ऑफिशियल आंसर की नहीं है, जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा किए गए आंसर्स हैं। ठीक है, तो आई एम नॉट गिव यू 100% गारंटी कि ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ऑफकोर्स कुछ मिसमैच हो सकते हैं जब एक्चुअल UPSC के ऑफिशियल की आएगी, बट काफ़ी हद तक एक आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल आंसर्स। और एक यू नो आई थिंक टू अ गुड एक्सटेंट यू कैन हैव अ यू नो प्रॉपर मैचिंग ऑफ योर आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज एज अ टाइम कीपर इन द एटॉमिक क्लॉक? दिस इज सीजियम। आंसर इसका बी है, सीजियम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड? इसका जो आंसर एक एक्सपेक्टेड माना जा रहा है वो है ए, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज डिजॉल्व इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन? इसका आंसर एक्सपेक्टेड जो यहाँ पर माना जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इन ग्रीन प्लांट्स? इसका एक्सपेक्टेड आंसर सी, मैग्नीशियम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन दिया था फेरिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसमें जो कोफिशियंट्स है ABCD, उनकी वैल्यू बतानी थी, तो इसके लिए बेसिकली ऑप्शन बी इसका आंसर माना जा रहा है, 1, 3, 2, 3, ये कोफिशियंट्स की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वाई इज आर्गन यूज अलॉन्ग विद टंगस्टन वायर इन इलेक्ट्रिक बल्ब? इसका आंसर ए माना जा रहा है, बेसिकली टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, इसमें बेसिकली केल्विन टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर का कंपेरिजन बताना था, तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है, केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273.15, ये इसका आंसर सही आंसर माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर एट, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू आ, ऑप्शन इसका डी माना जा रहा है, तो एक्सपेक्टेड आंसर है वुडन हॉलो पाइप प्लेस्ड इन वैक्यूम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ 1 नैनोमीटर? इसका एफेक्टेड आंसर ए माना जा रहा है, ठीक है, 10^-7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेंथ, बेसिकली इसमें तीन स्टेटमेंट्स थी और तीनों स्टेटमेंट के बेस पर आंसर करना था। स्टेटमेंट थी देर इज नो नेट मोमेंट ऑफ द बॉडी विच इज इन द इक्विलिब्रियम। सेकेंड स्टेटमेंट थी मोमेंट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व। थर्ड थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंजर्व। तो इसके लिए जो आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर माना जा रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर इलेवंथ, वर्किंग ऑफ सेफ्टी फ्यूजेस डिपेंडिंग अपॉन, यहाँ पर चार स्टेटमेंट दी हुई थी और जो करेक्ट ऑप्शन माना जा रहा है वो सी है, थर्ड एंड फोर्थ आर द करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बेसिकली ये स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू का वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 में जहाँ पे टोपोग्राफी फॉर्म इन द कास्ट एरेंट इज इन द सिंक होल, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर करेक्ट आंसर बी एक्सपेक्टेड माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन उस पर है, तो यहाँ पर इनसाइड मीएंडर ऑफ अ रिवर के ऊपर क्वेश्चन था, तो इसका आंसर डी माना जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बेसिकली स्टेटमेंट वन थी, पोर्शन ऑफ ग्लेशियल ट्रॉ में एग्जिबिट रिमार्केबल फ्लैट डोर फ्लोर, और इसका एक्सपेक्टेड ऑप्शन जो आंसर है वो माना जा रहा है ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये बेसिकली टुंड्रा क्लाइमेट की जो बायोडाइवर्सिटी थी उसके ऊपर क्वेश्चन था, इसका एक्सपेक्टेड ऑप्शन जो है आंसर वो माना जा रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, टाइड्स आर राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, सो ये बेसिकली जो अर्थ रोटेशन होती है उसकी वजह से रीजन बताया जा रहा था, तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर माना जा रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, अ पर्सन में सफर फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस इफ ही शी ट्रेवल फ्रीक्वेंटली विजिटेड क्राउडेड प्लेस, इसका एक्सपेक्टेड आंसर डी माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर
18 बायो एक्यूमुलेशन के ऊपर क्वेश्चन था, इसका एक्सपेक्टेड आंसर ऑप्शन बी माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बेसिकली ये फिश के ऊपर क्वेश्चन था, एज पर बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वन इज द फिश, ये बताना था। इसका एक्सपेक्टेड आंसर डी माना जा रहा है, फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, ये है बेसिकली, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स द कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल डज फैट गेट स्टोर, तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर ए माना जा रहा है, एडिपोसाइट। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट ऑर्गन दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन इन इज नॉट करेक्टली मैच, इसका एक्सपेक्टेड आंसर डी माना जा रहा है, स्टार फिश का जो मैच है ट्यूब फिट के साथ वो गलत माना जा रहा है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। लाइसोसोम इज फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनलीज, इसका एक्सपेक्टेड आंसर सी माना जा रहा है, गोल्गी बॉडीज। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। बेसिकली ये क्वेश्चन था प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन इज सिंथेसाइज इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका मेरे पास कोई एक्चुअल अभी ऑथेंटिकेट आंसर गेस वर्क भी नहीं किया गया है, तो मैं आपको कोई गेस वर्क नहीं देना चाहता हूँ, सो प्लीज़ स्किप दिस क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंजेस इन एटमोसफेयर, इसका एक्सपेक्टेड आंसर सी माना जा रहा है, एक्सपेंशन एंड द कंप्रेशन ऑफ द एयर। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू कॉलिजन कॉलियासिस प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसमें बेसिकली क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही आंसर माना जा रहा है, क्लाउड्स विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द फ्रीजिंग लेवल। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन इंडिया एक्सपीरियंसेस हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द विंटर, इसका आंसर बी माना जा रहा है, लेह लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 27, मैच दिए हुए थे, बेसिकली हमें करेक्ट मैच बताना था, इसमें बेसिकली हाइपोथेसिस जो थ्योरी और प्रोफाउंडर्स जो थे उनका मैच था, तो इसका आंसर ए माना जा रहा है, प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस का मैच है चेम्बरलिन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी का मैच है जेफ्रे, जियोसिंक्लाइन ऑरिगन थ्योरी का मैच है कॉबर, हाइपोथेसिस ऑफ सेटलिंग कंटिनेंट का मैच है डेली। सो दोस्तों, मैं ये वीडियो अभी यहीं क्लोज करता हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।